Salam everyone, hope you're doing good. Welcome back to my channel Full Spoon. So our today's recipe is प्याज कीमा. This is bakri. This special आप इसको ईद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो जल्दी सब चलते हैं रेसिपी की जानिब. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो प्याज और आधा किलो ही मैंने यहाँ पे लिया है मिन्स्ड बीफ, बीफ कीमा लिया है. अगर आप चाहें आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और दोनों की क्वान्टिटी बराबर हो, यानी कि आप जितना भी लें बराबर लीजिएगा दोनों. और यहाँ मेरे पास है एक कप दही लिया है और इसके साथ मैंने लिया है एक कप तेल. और मेरे पास है यहाँ पे ज़ीरा है 1 टीस्पून और सारा खड़ा गर्म मसाला है, यानी कि तेज़पत्ता एक लिया है, काट मिस्टिक मैंने एक ली है उसको तोड़ ली थी मैंने, और साबित काली मिर्च मैंने 3 से 4 अदद ली है, बड़ी इलायची ली है एक, और छोटी इलायची मैंने ली है 2 से 3 अदद, और लौंग भी मैंने ली है 2 से 3 अदद. यहाँ मेरे पास है इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून और कूटी मिर्च मेरे पास है 2 टीस्पून, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा. धनिया पाउडर मेरे पास है 1 टीस्पून और नमक हसबे जायका. गार्निश करने के लिए मैंने लिया है इसको चॉप करके हरी मिर्च ले ली हैं और साथ में ले लिया है जिंजर स्लाइसेस. तो इसके साथ हम इसको करेंगे गार्निश. तो चलते हैं जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने डालना है पतीली में जी तेल, और तेल के गर्म हो जाने पर हमने इसके अंदर डाल देनी है प्याज. मैंने थोड़ी जल्दी डाल दी थी लेकिन अवॉइड कीजिएगा, आप तेल गर्म हो जाए अच्छे से फिर ही डालिएगा. और इसको देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है, लेकिन ऐसा फ्राई नहीं करना है कि ये पूरा ही पक जाए, इसको आपने कच्चा पक्का रखना है. इसका ध्यान रहे कि पूरी प्याज नहीं पकानी है. आप इसका अंदाज़ ऐसे कर सकते हैं कि साइड जो है ना उसकी वो ब्राउन होना शुरू हो चुकी हो. तो ये देखिए मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरा जो साइड थी कॉर्नर्स जो थे प्याज की वो ब्राउन होना शुरू हो चुके थे. तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो कीमा डाल दिया था, और कीमा डालने के बाद अच्छे से इसको हमने भूनना है. ये देखिए ये जो कीमा है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और डालने के बाद इसको अच्छे से भूनूंगी. तो प्याज भी है और कीमा भी है, दोनों अपना पानी छोड़ते हैं, तो उसमें हमें एक्सेस वाटर डालना नहीं पड़ता, वो इसी में तैयार हो जाता है. अच्छे तरीके से आपको उसको भूनना है, भूनना है, भूनना है. ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसको भूनने के बाद फिर हम इसमें हमारे जो सारे मसाले थे वो हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे. ठीक है ना जी, तो ये देख सकते हैं हल्का हल्का सा ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था कि मैंने, तो फिर हमने इसी पॉइंट के ऊपर, ये मीडियम फ्लेम पर पक रहा है, तो फिर हमने इसी पॉइंट पर हमने जो हमारे जो सारे मसाले थे हमने वो उसमें शामिल करने लगे हैं. तो अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया है, और साथ ही में कुटी हुई मिर्च भी डाल देंगे हम, और डालने के बाद हम फिर इसके मसाला खड़ा गर्म मसाला भी डाल देंगे, ज़ीरा भी डाल देंगे, और नमक भी शामिल कर देंगे. थोड़ा हम इसको चला लेंगे और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे नमक. अच्छा, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है धनिया पाउडर, और फिर हमने इसमें डाल दिया है जी नमक. अभी डालेंगे हम नमक. तो ये देखिए नमक भी हमारा चला जाएगा इसके अंदर, और ये चला गया. और फिर हम इसको सारे मसालों के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे. इसकी भुनाई बहुत होती है तो आपको इसको भूनना लाजमी है, ऐसा नहीं कि आपने इसको छोड़ देना है, इसको भूनना बहुत ज़रूरी है. तो इसी भुनाई का ही असल टेस्ट आता है, क्योंकि कीमा इज़ ऑल अबाउट भूनना. आप इसको जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा. ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ, और फिर हम इसको ढककर धीमी आँच पर पकाएंगे. और अब आपने इसको उसकी फ्लेम लो करने के बाद आपने इसको आधा घंटा पकाना है. ये देखिए मैंने, ये देखें ये आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका तेल ऊपर आने लगा है. तो ये देखिए कि मैंने अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, मैंने इसको फिर से भूना है. और देखें इस पॉइंट पर आपने डाल देना है इसमें दही. आधा घंटा पकने के बाद यानी कि कीमा आपका लगभग क्या तैयार ही हो गया है, और तो फिर इसका जो तेल ऊपर आना शुरू हो गया था तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है दही. और दही डालने के बाद भी आपको इसको बहुत अच्छे से भूनना है. तो ये देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ, और देखिए हमने इसके अंदर एक्सेस वाटर नहीं डाला है. ये जो कीमा है और प्याज और ये सब चीज़ें अपना जो पानी है वो खुद छोड़ती हैं, तो ये उसी पानी के अंदर अच्छे से पक जाता है. तो ये देखिए मैंने इसमें दही डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लिया है.
ठीक है ना, ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है, ये भुन रहा है, भुन रहा है और भुन रहा है। तो देखिए अच्छे से भूनने के बाद इसका तिलों पर आ चुका है और हमारा कीमा हो चुका है तैयार। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो देखिए हमने इसको कर लिया डिश आउट। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हमारा जिंजर और साथ में हरी मिर्ची। तो ये हमारा कीमा तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का होता है ये। और मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।